समाज सेवी दीपक अग्रवाल ने मेयर पद के लिए किया नामांकन। पूर्णिया में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। नामांकन के लिए समाहरणालय परिसर में प्रत्याशियों एवं समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई। इसी क्रम में पूर्णिया नगर निगम से महापौर प्रत्याशी दीपक अग्रवाल ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद सैकड़ों की संख्या में समर्थकों द्वारा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं नामांकन के बाद दीपक अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जीत होती है तो समाज के हित में होने वाले हर काम एवं जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सबसे पहले दूर करेंगे। नगर निगम में आने वाली सभी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। बताइए, नगर निगम क्षेत्र में आप मेयर पद के लिए आज नामांकन किए हैं, नगर निगम की स्थिति सुधारने के लिए क्या रणनीति है? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, नगर निगम में आज जो आउट ऑफ सोर्स नहीं है, ये पानी का कोई निकास नहीं है, नाला तो बन जाता है, लेकिन जब तक कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो अस्थाई पानी का जो है समस्या का समाधान नहीं होगा। जगह जगह जो है कुओं का अंबार लगा हुआ है। जो पूर्णिया हमारा पुराना इतिहास है, पूर्णिया का सौंदर्यकरण होना चाहिए, उस अब तक कोई सौंदर्यकरण नहीं हुआ है। टेम्पो पड़ाव नहीं है, सिर्फ नाम का जगह जगह बोर्ड भी लगा हुआ है लेकिन कहीं पर टेम्पो पड़ाव नहीं है। और हमारे जो लोग हैं जो सड़क किनारे सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं और अतिक्रमण के नाम पर हम बार बार उनको हटाते हैं, वहाँ से तोड़फोड़ करते हैं। एक अस्थाई व्यवस्था सरकार को चाहिए कि जहाँ पर सरकारी जमीन पड़ती पड़ी हुई है जिसका कोई यूज नहीं है। आज देख लीजिए, मेला ग्राउंड में सारा फील्ड खाली पड़ा हुआ है। गुलाबाग में आज कृषि फार्म वाला जो है कुश्ती बाग में खाली पड़ा हुआ है, तो उस जगह पर एक अस्थाई व्यवस्था करे जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जो कमा के खाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचकर रेड़ी लगा करके, उनका भी एक समाधान समस्या का होना चाहिए और पूर्णिया का विकास होना चाहिए। मैं तो यही लोग से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो वोटिंग करें तो देख सुन करके वोटिंग करें और जात पात के नाम पर वोट नहीं करें। जनता का समर्थन मिलता है, आप जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्रार्थना जो आपको नाला का समस्या है और जो कूड़ा का अंबार है उससे निपटना, दूसरा जो हमारा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो काम नहीं हो सकता है, जो व्यवसाय बना लिए हैं उस पर अंकुश लगाना। परिचय, मैं दीपक कुमार अग्रवाल, मेयर प्रत्याशी गुलाबबाग।